कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप, और मैं अब पूरी तरह से फ्री हूँ। पिछले काफ़ी दिनों से मैं चुनाव ड्यूटी में था और अब चुनाव ड्यूटी से कम्प्लीटली फ्री हो चुका हूँ, और अब मैं पूरा का पूरा टाइम दूंगा आपको कम्प्लीट तैयारी करवाने में। और आज की जो अपनी क्लास है ना, उसमें हम बात करेंगे कि जो हिंदी कंपल्सरी अपना हिंदी कंपल्सरी का जो कम्प्लीट कोर्स है, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, शेड्यूल बताऊंगा कि हम 7 दिन में इसे कम्प्लीट कैसे करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे ना जिनकी अभी तैयारी नहीं है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, उन बच्चों को पता ही नहीं सर कोर्स कितना आएगा। तो पहले तो मैं बता दूं कि ये 100% कोर्स आएगा, आपका पूरा कोर्स रहेगा 100% कोर्स, जो है वो हाफ ईयरली में आता है बोर्ड क्लासेस का 10th और 12th का। तो पहले तो आप तय कर लीजिए कि 100% कोर्स आएगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं आपके साथ। और 7 दिन आज का अपना शेड्यूल रहेगा, 7 दिन में कोर्स को कंप्लीट कैसे करेंगे, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम जो हमारा 2023 का है उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं, और 7 दिन में मैं आपको बताऊंगा किस दिन हम कौन सा टॉपिक करेंगे और इस तरीके से हम कंप्लीट आपको करने वाले हैं सिलेबस। जिन बच्चों ने पहले कोर्स कंप्लीट कर लिया है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कर लिया है, बहुत अच्छी तैयारी है उनकी, तो उनका हो जाएगा रिवीजन, और जिन्होंने नहीं किया है वो मैं कंप्लीट करवाऊंगा। देखो, कहते हैं ना कि ठान लो तो जीत है और मान लो तो हार है। अब आपको तय करना है कि आपको जीतना है या फिर आपने हार मान ली है। अगर मान ली है तो नहीं माननी, ये गलती है आपकी, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम बचा है। ये हाफ ईयरली एग्जाम है, उसके बाद वार्षिक परीक्षा होगी आपकी, और मैं हूं आपके साथ, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं आपको, आपने महादेवी वर्मा की एक कविता है, मैं आपको 2 पंक्तियां सुना देता हूँ। महादेवी वर्मा, ये हालांकि जो कविता है ये स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको प्रेरित करने के लिए महादेवी वर्मा ने लिखी थी, और इस कविता की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी की जब लिखी गई थी। और विद्यार्थी जीवन को ये निश्चित रूप से प्रेरणादायक कविता है, जरूर सुनिएगा। 2 पंक्तियां सुनाता हूँ। कहती है महादेवी वर्मा कि जाग तुझको दूर जाना, शुरुआत करती है कि चीर सजग आंखें उनिंदी, क्या कहती है कि चीर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे लिखती हैं कि अचल हिमगिरी के हृदय में, अचल हिमगिरी मतलब हिमालय पर्वत जो बिल्कुल अटल है, स्थिर है, कभी नहीं हिलता, लेकिन अगर उस हिमालय में भी अगर भूकंप आ जाए, कंपन आ जाए, तब भी आपको विचलित नहीं होना है। कहती है कि अचल हिमगिरी के हृदय में चाहे आज कंप हो ले, अचल हिमगिरी के हृदय में चाहे आज कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में अलसित व्योम रोले, या भयंकर तूफान आ जाए और आसमान भी अगर रोना शुरू कर दे, लेकिन फिर भी क्या कहती है, पर तुझे है ना सपथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। प्रिय विद्यार्थियों, कितनी प्रेरणादायक पंक्तियां हैं, मैं आपको इसी तरीके से मोटिवेट करता रहूंगा, इसी तरीके से प्रेरित करता रहूंगा। आइए शुरुआत करते हैं, अपना शेड्यूल देखते हैं किस तरीके से इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि वो बच्चे हमारे साथ जुड़ें और अपनी इस तैयारी को कंप्लीट कर सकें। तो बात अगर हम करते हैं बच्चों, हाफ ईयरली की बात करें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का हम बाद में शेड्यूल जारी करेंगे। तो हाफ ईयरली में देखो, पहले क्या करना है आपको कि अपना एक टॉपिक रहेगा अपठित, आएगा क्या क्या चीज़, और हम 7 दिन में कंप्लीट कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। अपठित अपना एक रहेगा अपठित गद्यांश, और एक रहेगा अपना अपठित पद्यांश। थोड़ा सा वेट करिए, जस्ट 5 सेकेंड। तो यहां पर हम बात करेंगे, हाँ आ गया। तो देखो, अपठित जो गद्यांश है जिसमें अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछेंगे, और अपठित पद्यांश जो है जिसमें से भी अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, ये रहेगा हमारा 1 दिन का टाइम टेबल। हम यानी 1 दिन में कंप्लीट करेंगे, और ये सीरीज आपको बैक टू बैक मिलेगी। मैं आपको कह रहा हूँ रोज आपको इसका एक वीडियो मिलेगा, और 7 दिन में हमें कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों चीज़ हम 1 दिन में करेंगे, बेस्ट से बेस्ट किस तरीके से आंसर लिखोगे, और बहुत सारे मैं आपको इसके जो अपठित गद्यांश और पद्यांश से करा दूंगा, आप उन्हें देख लीजिएगा, ताकि अगर उसी में से परीक्षा में पूछा गया तो आपको निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो रहेगा हमारा 1 दिन का टाइम टेबल। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं निबंध लेखन आता है हमारा दूसरा। और बच्चों, निबंध लेखन जो है ना, ये किसी 1 दिन का काम नहीं है कि हम 1 दिन में निबंध लेखन सीख लेंगे, इसकी एक लॉन्ग प्रोसेस रहती है, लंबा रूटीन रहता है। हालांकि मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, वैसे मैं बता देता हूं कि इस पर हमने 50 टॉपिक तैयार किए हैं, 50 इंपोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं वो हमने तैयार किए
किए हैं, और ये सारे के सारे जो सीरीज है, ये हमारा ऐप जो है बच्चों, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, उस ऐप में आपको ये कंप्लीट जो है वो ये मिल जाएगा। हमारा जो निबंध लेखन का है, हमने हिंदी के जो मॉडल पेपर बने उस सीरीज में हमने इसकी PDF डाल दी, आप लोग वहां पे देख सकते हैं। तो ये आपको कंप्लीट करना है और मैं आपको कुछ जो इंपोर्टेंट निबंध है वो आपको अवेलेबल करा दूंगा। इसके बाद हमारा रहेगा पत्र एवं प्रारूप लेखन। इसमें टोटल 5 प्रारूप हैं। मैंने इस पे 2 वीडियोस तो जारी कर दी हैं, जिसमें हमने अधिसूचना देख ली, हमने विज्ञप्ति देख ली, और हमने निविदा मैंने थोड़े दिन पहले डाला था वीडियो। तो ये निविदा, तो 3 चीजें तो हम देख चुके हैं, अब बचा है हमारे पास केवल ज्ञापन, और एक बचा है हमारे पास सिर्फ अर्धशासकीय पत्र। तो ये रहेगा हमारा 2 दिन का, ठीक है, ये रहेगा हमारा 2 दिन का। तो देखो 1 दिन और 2 दिन, 3 दिन हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमारा यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम में एक अभिव्यक्ति और माध्यम, और दूसरा है फीचर लेखन और आलेख लेखन। तो ये हम टारगेट नहीं करेंगे, बल्कि 7 दिन में रोज आपको एक एक वीडियो मिलेगा, उसमें इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके जो प्रश्न उत्तर हैं, हम इन प्रश्न उत्तरों को करेंगे। ये जो प्रश्न उत्तर रहेंगे, इन प्रश्न उत्तरों को हम यहाँ पे करने वाले हैं इसके। तो ये आपको रेगुलर जो है वो आपको 7 दिन तक इनके वीडियोस मिलते रहेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो बता दूंगा। और इसमें आपको ध्यान रखना, फीचर लेखन ये हमारा 2 दिन का हो गया, ये तो 2 दिन का हो गया, ये 1 दिन का हो गया, और ये अपना पूरा 7 दिन चलेगा। एक एक वीडियो आपको इस पर मिलेगी। फीचर लेखन बेस्ट से बेस्ट कैसे लिखें, आलेख लेखन किस तरीके से लिखना है, ये रहेगा। इसके बाद अपना आता है व्यावहारिक जो व्याकरण है, जिसमें बहुचयनात्मक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, भाषा व्याकरण रहेगी। तो ये रहेगा हमारा 2 दिन का टॉपिक, हमारा ये रहेगा, ठीक है। 2 दिन में हम इसको कंप्लीट करेंगे, भाषा व्याकरण लिपि, और इसमें और कौन कौन से जो टॉपिक है उसको भी अपन शामिल कर लेते हैं। इसमें रहेगा, देखो ये जो हमने 2 दिन का लिया है ना, इसमें रहेगा शब्द शक्ति रहेगा, अलंकार रहेगा, और पारिभाषिक शब्दावली रहेगी। तो ये हमारा रहेगा 2 दिन का। तो इस तरीके से हमारा 1+2+2, अब 2 और 2 4 और 1 5 दिन हो गए। अब दिन बचे हमारे पास 2। तो 2 दिन में देखो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा एक तो सप्रसंग व्याख्या गद्य भाग से, और एक सप्रसंग व्याख्या पद्य भाग से। तो ये रहेगा हमारा 1 दिन का टॉपिक, ठीक है। ये हो गए हमारे 6 दिन, और अब हमारे पास बचा है 1 दिन। इस 1 दिन में हम क्या करेंगे, जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे आपकी जो किताब में से, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। ये रहेगा हमारा 1 दिन। तो इस तरीके से हमारे हैं हुए 7 दिन, और 7 दिन लगातार आपको हिंदी की सीरीज मिलेगी, और 7 दिन में आपका हिंदी का कोर्स हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, तो नए सीरीज से हम नेक्स्ट शेड्यूल बताएंगे किस तरीके से बोर्ड एग्जाम से पहले आपको डिटेल स्टडी में करवाऊंगा। मैं आपको बता देता हूं इससे आगे बढ़ने से पहले कि जो हिंदी है ना, कंप्लीट हिंदी के हमने कोर्स भी बना रखा है। अगर आप लोग, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पढ़ रहे हैं उस कोर्स को, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आपको हमारा कोर्स मिलेगा, और उस कोर्स को अगर आप पढ़ना चाहते हो ओनली 99 रुपये में हम आपको हिंदी का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक आपके कवर किए हुए हैं, और ये चैप्टर वाइज हमने नोट्स बना रखे हैं। चैप्टर वाइज आपकी गद्य भाग, उसके बाद आपका पद्य भाग, उसके बाद आपका व्याकरण, उसके MCQs, उसके वीडियोज, उसके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसके क्वेश्चन आंसर्स, सब कुछ आपको मिलेगा हमारे ऐप में। और ऐप है हमारा बच्चों एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। आप देख रहे हो यहाँ पे लोगो जो आपको दिखाई दे रहा है, इस टाइप का ये ऐप है, इसको डाउनलोड करिएगा। वहाँ पे आपको हिंदी के मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे। हमने हिंदी के 10-10 मॉडल पेपर्स भी बनाए हैं, जो आपको वहाँ पे मिलेंगे। 10 मॉडल पेपर्स हमने बनाए हैं, कुछ हमने अपडेट कर दिए, कुछ बाकी है, तो मैं बहुत ही जल्दी इन 10 मॉडल पेपर्स को अपडेट कर दूंगा। और ये टोटल जो 10 मॉडल पेपर्स है ना बच्चों, ये 10 पेपर्स जो हैं, ये आपको ओनली 29 रुपीज़ में हम दे रहे हैं, ओनली 29 रुपये में, मार्केट रेट से बहुत कम दे रहे हैं, और आपके बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखो हमने ये जो देखा है ना कि भाई हम हाफिली 2023 का, ये तो हिंदी कंपलसरी की बात हुई। इसके अलावा जो बाकी हमारे सब्जेक्ट हैं, उस पर मैं एक दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करनी है तैयारी। तो इसके अलावा अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या मेरा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा।
नंबर है हमारा बच्चों 9079622 9899। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारी जितनी लिंक्स हैं वो सारी मिल जाएगी आपको, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको हमारे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी, सब कुछ आपको हमारे इस पर मिल जाएगा। हमारी लाइव क्लासेज रहेगी बच्चों, अब बहुत ही जल्दी हम लाइव क्लासेज फिर से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हमने बीच में बंद कर दी थी, सरकारी कार्य में काफ़ी मैं लगा हुआ था तो उसमें मैं बिजी रहता था और टाइम नहीं दे पा रहा था, तो हमने बीच में जो बंद करी थी क्लासेस एक बार फिर से हम लाइव क्लासेस करेंगे शुरू। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं। मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।